की जीत के बाद जो जका आश्रम में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसने फकर जमान पर पैसों की बारिश कर दी। वो ऐसे कि जब पाकिस्तान ने मैच जीता और मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के चेयरमैन जका आश्रम ने जो है उस मैच जीतने के बाद फकर जमान को फोन कॉल किया। उसके बाद जो है उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, हम चाहते हैं कि आप इस तरह की और मज़ीद इनिंग्स भी खेलें। और उन्होंने जो है वो फकर जमान को 10 लाख इनाम भी दे दिया है, यानी कि एक शानदार इनिंग्स। और उसके बाद फकर जमान के ऊपर जका आश्रम की जानिब से जो है वो इनाम पैसों की बारिश कर दी गई, इनाम दे दिया 10 लाख का। और उन्होंने उनकी तारीफ भी की, और जहाँ पर देखा हमने कि कल के मैच में फकर जमान ने जहाँ शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड भी इक्वल किया, जो शाहिद आफरीदी ने श्रीलंका के अगेंस्ट 11 छक्के लगाए थे 1996 में, तो उसके बाद जो है कल के मैच में हमने देखा कि फकर जमान ने भी वो रिकॉर्ड इक्वल कर दिया, 11 छक्के लगा दिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और फकर जमान की हमने कल जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी भी देखी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी देखने को मिली। तो वहीं 3 महीने जो है दोस्ती दे दी गई है जका आश्रम को, यानी कि मजीद वो 3 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। उनकी जानिब से जो है फकर जमान को कॉल कर दी गई, और फिर उस कॉल में उन्होंने उनकी तारीफ भी की जो मैंने आपको पहले ही बताया है इसी वीडियो में। और उन पर बातचीत, उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि फकर जमान है वो 10 लाख देंगे। वेरी गुड फकर जमान, विच इज़ वेरी गुड। और उम्मीद करते हैं कि आप एक सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद फाइनल खेलें, और उस फाइनल में भी ऐसे ही इनिंग्स दें। और ये वैसे फकर जमान की जो ये इनिंग्स थी ना, उसने कहीं ना कहीं जो है हमें चैम्पियंस ट्रॉफी वाली इनिंग्स की याद भी दिलाई, और साथ ही साथ फकर जमान ये भी प्रूव करते हुए नज़र आए कि वाकई में फकर जमान जो है वो मैच विनर है, सही मायनों में वही मैच विनर है। और जब जब पाकिस्तान के पर मुश्किल वक्त आता है तो उसे फकर जमान ही उस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकालते हैं। और कल जिस तरह से हमने ज़बरदस्त इनिंग्स भी देखी फौजी की जानिब से, वेल डन बॉय। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ही जो है वो इनिंग्स खेलते जाओ, और फिर इसी तरह से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आपके ऊपर इनाम की बरसात करने जाएँ।